शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुर्श रू हुए और मुंह फेर बैठे कि उनके पास एक नाबीना आया और तुमको क्या खबर शायद वो पाकीजगी हासिल करता या सोचता तो समझाना उसे फायदा देता। जो परवाह नहीं करता उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना संवरे तो तुम पर कुछ इल्जाम नहीं। और जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और खुदा से डरता है उससे तुम बेरुखी करते हो। देखो ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे। काबिले अदब वर्कों में लिखा हुआ जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं, ऐसे लिखने वालों के हाथों में जो सरदार और नेकुकार हैं, इंसान हलाक हो जाए कैसा नाशुकरा है। उसे खुदा ने किस चीज से बनाया? नुतफे से बनाया, फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी, फिर कब्र में दफन कराया, फिर जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। कुछ शक नहीं कि खुदा ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल न किया। तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे। बेशक हम ही ने पानी बरसाया, फिर हम ही ने जमीन को चीरा फाड़ा, फिर हम ही ने इसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और चारा। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चार पायों के लिए बनाया। तो जब कयामत का गुल मचेगा उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटे से। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे मसरूफियत के लिए बस करेगा। और कितने मुंह उस रोज चमक रहे होंगे, खंदा व शादा ये नेकुकार हैं, और कितने मुंह होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और स्याही चढ़ रही होगी, ये कुफार बद किरदार हैं।